गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 जैक बोर्ड का, ठीक है, जीसीआरटी का यूनिट 2A काली एंड द रेड स्नेक। ठीक है, तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग चलिए थोड़ा सा देखते हैं, अगर इनके राइटर के बारे में कुछ चीज़ दिया हुआ है थोड़ा सा राइटर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑथर जो है, इनके ऑथर हैं जय वटकर, वाज रिटन अ डजन बुक, मतलब दर्जनों से ज़्यादा बुक लिखे हैं, मोस्ट ऑफ देम फॉर चिल्ड्रन एंड यंग रीडर। ठीक है, इनका स्टोरी जो है बच्चों के लिए और यंग जो युवा हैं उन लोगों के लिए है। से राइट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ठीक है, जंगली जो जीव हैं उन लोगों की बचाव को लेकर के हैं। हर इंटरेस्ट इन दिस एरी बिगन व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल इन मुंबई, ठीक है, जब वो एक जवान थी, लड़की थी, मतलब हाँ जब वो एक युवा लड़की थी, मुंबई में थी तब की बात है। बिकॉज ऑफ द सेवरल नेचुरलिस्ट इन हर फैमिली, उसके फैमिली में बहुत सारे क्या है, नेचुरलिस्ट है, प्रकृति से प्रेम करने वाले। आफ्टर कॉलेज जे आई वर्क एट द स्नेक पार्क एंड क्रोकोडाइल बैंक इन चेन्नई, ठीक है, तो अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो स्नेक का पार्क और क्या बोलेंगे जहाँ मगरमच्छ रहता है वहाँ पे जू में काम करती थी, जू तो नहीं बोलेंगे तो मतलब उस जगह पे काम करती थी, ठीक है, चेन्नई में। तो अब आ जाते हैं हम लोग स्टोरी पे, स्टोरी क्या है तो देखिए क्या क्या है। तो स्टोरी में कहता है कि स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय काली, ठीक है, ये काली के बारे में है और जो बिलोंग करता है इरुला ट्राइब से, ठीक है, एक इरुला जनजाति है उससे बिलोंग करता है, थिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के थिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब्स आर फेमस एज स्नैक कैचर, ठीक है, ये जनजाति के लोग जो है वो फेमस है स्नैक कैचर के लिए। एंड कालीज फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब, दिस हाउ एवर मेक हिज फादर एंड काली सम वॉट एबनॉर्मल इन द आईज ऑफ हिज क्लासमेट, विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड इन हिज क्लास, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। तो हम लोग इस कहानी में पढ़ने वाले हैं क्या काली अपना दोस्त बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, और आँख को लेकर के उसके पास कुछ प्रॉब्लम है, उसका आँख में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, और यही सबको बात को लेकर के है इसके बारे में, काली के बारे में। और इस स्टोरी को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैंने जब इस स्टोरी को पढ़ा था, पढ़ाने के लिए मैं जब पढ़ा था एक्चुअली, तो मैंने एक मूवी देखा था, मूवी का नाम कुछ भीम टाइप का था, आई मीन कि भीम ही था, जय भीम, हाँ अभी याद आया मुझे, जय भीम। ये जय भीम जो मूवी है ये साउथ की मूवी है जिसमें इरुला ट्राइब को दिखाया गया है, वो पूरा बेस्ड है थोड़ा सा, इरुला ट्राइब एक स्नैक कैचर है, उसके साथ कुछ इंसिडेंट होता है, फिर हीरो उसको कैसे कैसे बचाता है, बहुत अच्छा, मतलब पूरा पिक्चर जो है ना इरुला ट्राइब पे ही है, तो मज़ेदार है, अच्छा भी लगता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आलतू फालतू पिक्चर देखने से अच्छा है कुछ अच्छा देखें अगर आप लोग पिक्चर भी देखते हैं तो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम लोग स्टोरी पे। तो देखिए काली वॉक अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लो एज ही क्लाउड, ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, तो अपना स्कूल जा रहा है वो जंगलों से, है ना, जंगलों से होते हुए स्कूल जा रहा है। काली'ज़ फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर ऑफ द इरुला ट्राइब, काली के जो पापा हैं बहुत ही फेमस स्नैक कैचर हैं, ठीक है, इरुला जनजाति के बहुत ही फेमस सांप पकड़ने वाले हैं। ही हैड काउट ओवर 100 कोबराज दिस मानसून एंड बाउट मेनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली, तो इसी मानसून में, बरसात के मौसम में, उसके पापा जो है 100 से ज़्यादा कोबरा, दैट मीन्स जो नाग सांप होता है, कोबरा को इंडिया में नाग सांप कहते हैं, पकड़े हैं 100 से ज़्यादा, और बहुत सारा चीज़ अपने मेनी क्या बोलेंगे 100 कोबरा दिस मानसून एंड बॉट मेनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली, परिवार के लिए बहुत सारा चीज़ लाए हैं, अच्छा अच्छा चीज़। द स्नेक कॉपरेटिव पेड 150 रुपीज़ फॉर ईच पॉइजनस स्नेक, अगर कोई एक पॉइजनस जहरीला सांप को पकड़ता है तो जो स्नेक कॉपरेटिव है, मतलब एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन समझिए, जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप पॉइजनस स्नेक को अगर पकड़ करके दीजिएगा तो 150 रुपये मिलता है। तो ये जो है आपका रूरल ट्राइब्स का यही खाने पीने का जरिया था, इसी से वो पैसा कमाते थे सांप पकड़ करके। तो दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम द स्नेक टू मेक एंटी वेनम सीरम, तो ये जो स्नेक कॉपरेटिव है वो क्या करते थे, जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उनको पकड़ करके उनसे उसका जहर निकालते हैं, जहर निकाल करके एंटी वेनम बनाते हैं, ठीक है, दवा बनाते हैं, जैसे कि कोई सांप को काट ले, कोई सांप अगर किसी आदमी को काटा है तो उसी का दवा बनता है, उसी के जहर से ही दवा बनाया जाता है, तो एंटी वेनम सीरम बनाया जाता है। When काली went snake catching with his father, his leg work like machine, जब काली है जो कि अपने पापा के पास साथ जाता था सांप पकड़ने, तो उसका पैर एकदम मशीन के जैसा काम करता था। But now he dragged his feet, I hate school,
लेकिन अभी इसका जाने का मन नहीं स्कूल, ये जाना नहीं चाहता है, मतलब वो स्कूल से नफरत करता है। क्यों करता है भाई, देखेंगे। ही टोल्ड द बसेस एज हिज वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर एंड स्कूल हेट्स मी, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है और कह भी रहा है कि स्कूल से मुझे नफरत है, ठीक है। द बसेस डिड नॉट सीम्स टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम, इट मीन्स 2 मंथ सिंस आई ज्वाइन स्कूल बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। तो मेन काली का प्रॉब्लम क्या है कि 2 महीना बीत गया है काली का, लेकिन अब तक उसका कोई दोस्त नहीं है। आई गेट द फीलिंग आई थिंक दे थिंक वॉज इरूला एज वियर्ड। तो ये सोचता है कि इरूला जनजाति जो है वो बहुत वियर्ड होता है, मतलब इसके स्कूल में जितने भी इसके स्कूलमेट हैं और पढ़ने वाले हैं वो लोग समझते हैं तो इरूला वाला जो जनजाति है बहुत ही अजीब टाइप का होता है, वियर्ड होता है एकदम। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी है आपका कि कौन सा 3 चीज़ पूछता है। तो देखिए 3 चीज़ क्या पूछता है फर्स्ट डे। पहला, हर नेम, नाम क्या है, द नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम क्या है, एंड व्हाट देयर फादर डिड, और उसके पापा क्या करते हैं। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जनरली अभी पूछे क्या नाम है बाबू, है ना, आप कभी भी स्कूल जाइए, न्यू स्टूडेंट है तो क्या नाम है भाई, क्या नाम है, दोस्त बोले चाहे पेरेंट्स पेरेंट्स बोले टीचर हैं, नाम ही पूछेंगे, कहाँ से आता है, इतना ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मिल्लौर, माई फादर इज़ अ बस कंडक्टर। एक रामू नाम का लड़का है वो इस तरह से जवाब देता है, ठीक है, कि मैं मिल्लौर गांव का हूँ और मेरे पापा बस कंडक्टर हैं। फर्स्ट चाइल्ड सीट, पहला बच्चा कहाँ। देन कम सेल्वी, सेल्वी एक और है, सेल्वी ऑर्थूर पोस्टमैन, ठीक है। तो सेल्वी बताती है अपने भाई, उसका नाम सेल्वी है, वो ऑर्थूर से आई है और उसके पापा पोस्टमैन है। तो व्हेन इट वाज कालीज, अब जब काली का टाइम आता है, ठीक है, कालीज टर्न, तो क्या बोलता है, ही वॉज सो प्राउड दैट ही फिल्ट लाइक अ बलून, ठीक है, एकदम गर्व से फूल जाता है। आई एम काली, मेरा नाम काली है, माई विलेज इज़ कंथूर, मैं कंथूर विलेज से आया हूँ, मैं कंथूर विलेज में रहता हूँ, माई फादर इज़ अ स्नैक कैचर, और मेरे पापा जो हैं सांप पकड़ने वाले हैं। द चिल्ड्रेन गिगल एंड नग्ड एंड वन अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली। अब ये सोच, सारे बच्चे एक दूसरे के साथ गजबुज गजबुज करना होता है ना, करने लगे, तो इसको लगता है कि क्या हम कुछ गलत कर देंगे, क्या काली सोचता है कि हम कुछ मजाकिया चीज़ कर देंगे, इन लोग सब ऐसे कर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। इसी समय काली को एहसास हुआ कि पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हम जो इरूला ट्राइब हैं, जनजाति हैं, वो सही नहीं है। तो ही वेयर जस्ट लाइक अदर एन ऑर्डिनरी बॉय विथ अ बस कंडक्टर फादर, ठीक है। तो वो भी विश करता है कि काश हम भी अपने पापा के जैसा, मतलब उसका देखो पापा कितना अच्छा बस कंडक्टर है, तो कोई अलग तरह का रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मेरे पापा सांप पकड़ते हैं तो एकदम अजीब टाइप से लोग बोल रहे हैं। एनीवे दैट वॉज 2 मंथ अगो, उसका 2 मंथ बीत गया, काली वॉज गेटिंग यूज टू इट बस, बट इट वॉज हार्ड एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, और काली और धीरे धीरे धीरे, यही सब उसके दिमाग में चल रहा है और जाता है। काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग, जैसे बेल बजता है काली गेट तक पहुँचता है। एज यूजल ही सैट इन द बैक रो, हमेशा की तरह सबसे पीछे वाले रो में बैठता है, अलोन, एकदम अकेला। विशिंग ही हैड फ्रेंड, विश करते कहा सब कोई दोस्त बन जाए। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, बट फेलिंग वॉज नॉट ईजी, ठीक है। वो साथ में ये भी विश करते काश कम से कम फेल हो जाए, हमको स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन हारना, फेल का होना इतना आसान नहीं था। ही हैड ट्राइड बट हाउ एवर बैडली ही रोट हिज लेसन द टीचर सीम्स प्लीज विथ हिम, ठीक है, लेकिन कैसे करे, हो ही नहीं रहा था, उसके टीचर तारीफ करते थे, वो जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहा था लिखता था, ठीक है। तो दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ एंड राइटिंग एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम, तो मैथ और राइटिंग के 2 क्लास चल चुका है और ब्रेक टाइम था। चिल्ड्रन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स, और बच्चे जो हैं इधर उधर अपना स्नैक लिए, जैसे बहुत सारे स्कूल में होता है 2 पीरियड होता है, उसके बाद शॉर्ट ब्रेक होता है, फिर 2 पीरियड होता है, फिर लंच होता है, तो उसी तरह 2 पीरियड हुआ है और शॉर्ट ब्रेक लगा है जिसमें लोग स्नैक स्नैक कुछ कुछ खा रहे हैं। सम हैड इडली, अदर हैड मिक्सचर, मिक्सचर बोल रहा हूँ मैं, मिक्सचर, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ 2 और 3 बिस्किट, तो सबके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए है। कोई इडली खा रहा है तो कोई मिक्सचर खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, लेकिन ओह नो, फ्राइड टर्मिट्स हिज फेवरेट एक्चुअली, बट वॉट इफ समवन सॉ, ठीक है। तो काली के पास क्या है, फ्राइड टर्मिट्स है, टर्मिट्स मीन्स दीमक, एकदम भूंजा हुआ दीमक एकदम निकाला खाने के लिए, और ये इसका फेवरेट भी है, लेकिन इसको डर है कि कोई देखे तो क्या कहेगा। ही हैव टू हाइड, ही सैट ऑन द वॉल फार अवे फ्रॉम द अदर एंड फिनिश्ड हिज टिफिन, वो एकदम पीछे चुपचाप बैठ करके अपना टिफिन खाता है। टर्मिट डिड नॉट डिडंट टेस्ट एज गुड एज
एट होम सपोज समवन कम्स नियर मी सपोज समवन आस्क व्हाट आई हैव अबाउट काली बॉन्डन एनॉक्सिलिस, ठीक है, तो सोचता है कि मतलब कोई मेरे पास आ जाए पूछे तुम क्या लाया टिफिन में, ठीक है। फिर बेल रैंग, द बेल रैंग, ब्रेक वॉज ओवर, ब्रेक ख़त्म होता है, इट वॉज सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट। तो टीचर जो थे वो तो सेम थे लेकिन सब्जेक्ट अलग था, किसका सब्जेक्ट था, इंग्लिश का सब्जेक्ट था। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट, ठीक है, तो स्लेट जो होता है ऐसा ऐसा स्लेट में सब अपना अपना इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखता है, जैसे ए बी सी ये सब लिखता रहता है। टीचर वॉक अराउंड द रूम विथ अ स्टिक हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक। तो टीचर क्या कर रहे, डंडा लेके घूम रहे कि कोई मिस्टेक करेगा तो उसको देंगे 2 घंटा, ठीक है। लकली थाउट काली, लकली दैट ही कुड मेक अ टीचर एंग्री, ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू। तो वो लकली ही कुड मेक द टीचर एंग्री, मतलब वो टीचर को नाराज करता है, एंग्री गुस्सा दिलाता है, ठीक है, कुछ ये गलत सलत करके टीचर को गुस्सा दिलाता है। टीचर स्टूड इन द फ्रंट ऑफ काली बट इंस्टेड ऑफ अ स्विच द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक। तो टीचर क्या करते हैं, और इसको शाबाशी देते हैं, मतलब ये मिस्टेक नहीं किया है, कुछ गलती नहीं किया वैसा, तो शाबाशी देते हैं। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी, हेयर दिस इज द शॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन, ही सेड, दिखाते देखो ऐसे काम करना है जैसे ही काली किया है, ठीक है। नाउ द अदर वुड हेट हिम मोर देन एवर। अब बाकी लोग और इससे नफरत करने लगा, एक तो नफरत करता था अब और करने लगा। काली कुड हेयर द विस्परिंग इन द क्लास रूम, ही हैड नेवर हैड He'd never have friend in school and had never get kicked out, ठीक है। तो समझ गया कि अब ना मेरा कोई दोस्त बनेगा ना ही हमको स्कूल से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, कंप्रिहेंशन चेक जो है और बुक का जितना क्वेश्चन आंसर है वो सब मैं करवा दूंगा बाद में, ठीक है। तो जस्ट देन समथिंग हैपन इन द रूम, एट फर्स्ट काली डिडेंट अंडरस्टैंड इट, आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, बॉडी रैन ट्रम्बल ओवर ईच अदर, फेल रैन सम मोर, देयर वे शाउट ऑल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल, आइज एंड हैंड पॉइंटेड टू द सीलिंग, नाउ काली अंडरस्टूड, ठीक है। तो हुआ क्या है यहाँ मामला, सब इधर उधर भाग रहा है, सब छटपटा रहा है, जैसा फोटो में देख पा रहे हैं इधर उधर सब भाग रहा है, और टीचर जो है वो नीचे टेबल के नीचे छुपे हुए हैं और सब बच्चे चिल्ला रहे कि हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, मतलब बचाओ मदद करो टीचर मदद करो, और टीचर कहाँ है, वो टेबल के नीचे हैं और सब बच्चे जो है सीलिंग की तरफ छत की तरफ उंगली करके इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर ऑन द रूफ वॉज अ लार्ज रैट स्नेक, तो रूफ पे छत पे क्या है, एक लार्ज बड़ा सा रैट स्नेक है, ठीक है। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम, तो मतलब जरूर ये चूहा को कोई सूंघा होगा, ये जो सांप है किसी चूहे को सूंघा होगा तभी यहाँ पे आया होगा। माई मिस्टेक इफ हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इन टू द क्लास इंस्टीट्यूट, कालीज फादर सेड दैट समटाइम्स स्नेक स्मेल ह्यूमन एंड मिस्टुक देम फॉर रैट। तो काली के पापा उसको बताए थे कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो सांप है वो ह्यूमन को भी मतलब सूंघता है तो उसको लगता है कि ये चूहा है, ठीक है, इसीलिए कभी कभी वो अटैक भी करता है। मे बी दिस वन थाउट वंडरफुल हर रूम फुल ऑफ रैट, ठीक है, उसका जो रूम है वो पूरा रैट से भरा हुआ है। द रैट वॉज रैप्ड अराउंड द पलमियार बीम ऑन द रूफ, इट स्ट्रेच आउट इट नेक क्यूरियोसिटी, इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज बाय ऑल द एक्साइटमेंट, स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम, काली लुक्ड अप न्यू व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब पूरा बता रहा है कि सांप के बारे में, उस एकदम सांप जो है ना क्वाइल मार के बैठा, क्वाइल मारने में समझते हैं ऐसे गोल गोल लपटा करके बैठा हुआ है, और काली को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, ठीक है। तो आवाज़ आता है धुप डाउन फिल द रैट स्नेक, तो सांप ऊपर से नीचे गिरता है धप से। कहानी पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे भी छत पे है नहीं ना, ठीक है, चलिए। तो द नॉइज एंड कन्फ्यूजन ग्रू रोज, चेयर क्रैश्ड, हेड्स बैंगड, बॉडी हिट द वॉल द फ्लोर एंड वन अनदर, टीचर वॉज नाउ नॉट अंडर हिज टेबल इनिंग सेम मी। अब टीचर जो थे वो भी मतलब सब बच्चा इधर उधर भाग रहा है, कोई दीवार में टकरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो है टीचर वो अब टेबल के नीचे नहीं, अब वो क्या करेंगे, वो टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे और चिल्ला रहे कि सेम बचाओ मुझे बचाओ, ठीक है। द रैट स्नेक वॉज टेरिफाइड, जो रैट स्नेक है बहुत डर गया। इट वेंट टू वन साइड इन द रूम देन द अदर, द चिल्ड्रन रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो रैट स्नेक डर गया और वो एक कोना में जा करके बैठ गया, तो बाकी लोग बच्चे लोग भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए।
फॉर अ फ्यू सेकेंड काली वॉज टू सरप्राइज टू डू एनी थिंग हिस पीपल द इरूलाज ऑलवेज वेंट टूवर्ड स्नेक नॉट अवे फ्रॉम देम। तो इरूला ट्राइब का यही खासियत था कि वो कभी सांप से दूर नहीं भागते थे और उसके नज़दीक जाते थे। हैड एवरी वन गॉन मैड, ठीक है, ही वॉक स्लोली टू वेयर द स्नेक वॉज। ये जो है अब जा रहा है सांप की तरफ, धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा है। ही रीच आउट हिज हैंड, वो अपना हाथ बढ़ाता है। सडनली द रूम ग्रू स्टिल, सारा एकदम रूम चुप है, नो साउंड नो मूवमेंट, कुछ भी नहीं कर रहा है। सारा बच्चा रूम बस कोना में खड़ा होकर के ताक रहा है, आई मीन देख रहा है, ठीक है, काली को, कि काली करने क्या वाला है। ऑल आइज वेयर ऑन काली, सारे लोगों का आँख काली की तरफ है। द रैट स्नेक इट्स वॉज ओवर 2 मीटर लॉन्ग, रेयर्ड बैक लाइक अ हॉर्स, ठीक है, जो रैट स्नेक है वो 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, अप्रॉक्स 3 फिट के आसपास हो जाएगा, आई मीन कि काली का हाइट के बराबर तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ओपन इट्स माउथ वाइड ही स्टैंड स्ट्रक, लकली इट मिस्ड कालीज हैंड, ठीक है, एकदम जो करना होता है ना, मुंह फाड़ करके पस पस कर रहा था कि अब हमला करेगा, और काली है जो कि मिस कर जाता है, मतलब लकली इट मिस कालीज हैंड, मतलब काली बच जाता है। द बाइट ऑफ द बिग रैट स्नेक इज़ वेरी पेनफुल, तो ये जो बिग रैट स्नेक है उसका काटना बहुत दर्दनाक होता है। दिस वॉज द थाउट दे वेंट थ्रू कालीज माइंड एज ही ग्रैब द स्नेक बिहाइंड द हेड, हिज अदर हैंड ग्रिप्ड अ लॉन्ग मस्कुलर बॉडी। सुन काली वॉज ऑल रैप अप इन स्नेक, काली थाउट ही वुड फाइंड अ बिग बिग बैग टू बट द रैट स्नेक ही डिडंट टेक होम टू फादर, द वन द लूर जू नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइज फॉर द रैट स्नेक, ठीक है। एड बाय हिज बेबी सिस्टर अ न्यू ड्रेस, बट वॉट वॉज द नॉइज, वॉट वॉज हैपनिंग, वॉज देयर एनी अनदर स्नेक इन द रूम, कन्फ्यूज काली लुक्ड अप। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि काली एकदम अपना दिमाग में प्लान बना लिया कि अब इसको पकड़ करके पापा के पास नहीं ले जाएंगे, पास में बदलूर जो जू है चेन्नई में वहाँ ले जाते हैं, वहाँ हमको अच्छा पैसा मिलेगा, उस पैसा से हम अपनी बहन के लिए कपड़ा खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन फिर काली कन्फ्यूज है कि कहीं यहाँ पर और सांप तो नहीं है, तो काली क्या क्या बुरा लेकर के उसको ढांप करके पकड़ लिया सांप को। एवरी वन वॉज क्लैपिंग एंड चेयरिंग एंड देन दे वेयर चैंटिंग काली, अच्छा नंद्री, काली नंद्री काली थैंक यू, हर कोई ताली बजा रहा है, चिल्ला रहा है काली 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 नंद्री काली थैंक यू ये सब, ठीक है। इट वॉज सो वंडरफुल कालीज एवरी आइज बिकम वेट विथ हैप्पीनेस, इस समय काली का जो आँख है वो नम पड़ जाता है, आंसुओं से एकदम नम पड़ जाता है खुशी के मारे। ही ग्रिन्ड एंड क्लैपिंग ग्रू लाउडर, यू सेव्ड अस शाउटेड वन ऑफ द बॉय, ही ब्रेव हाउ ब्रेव आर यू। तो एक बच्चा जो है बोलता है, मतलब कि तुमने हमें बचा लिया, ठीक है, हाउ ब्रेव आर यू, तुम कितने बहादुर हो। फ्रॉम नाउ ऑन यू सिट नेक्स्ट टू मी, अब तुम मेरे बगल में बैठे हुए, नो मी, अब लोग बच्चा लोग हल्ला करने लगा कि नहीं नहीं मेरे बगल में बैठो, वो कह रहा नहीं नहीं अब काली मेरे बगल में बैठेगा। बस यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गया। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड कॉलिंग अबाउट होम, काली वुड सिट नेक्स्ट टू, वॉट थाउट What doubt you to be so brave? Ask Ramesh, the class bully. Come on, name it. We'll give you whatever you want. तो एक रमेश नाम का लड़का है जिसको क्लास बुली कहते हैं, दैट मीन्स कि वो सब बच्चों को परेशान करता था, तो वो कहता नहीं तुम मेरे बगल में बैठो और तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। वेल वॉट आई वॉन्ट नाउ रिप्लाई काली इज़ अ बैग अ बिग वन द पुट दिस फेलो इन टू। तो काली बोलता है कि नहीं मुझे बस एक बड़ा सा बैग दे दो, बैग यहाँ पे समझिए बोरा दे दो जिसमें हम इसको रख सके स्नेक को। 10 children रन ऑफ इन 10 different directions टू फाइंड बैग, 10 बच्चे 10 दिशाओं में गए, अमेजिंग, ठीक है, 10 बच्चे 10 दिशाओं में गए। द अदर लुक एट काली विथ एडमिरेशन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई, काली सॉ द टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम द डेस्क, काली देखता है कि टीचर भी डेस्क से नीचे उतर जाते हैं। द टीचर वॉक अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल, ठीक है, काली के तरफ टीचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ही केयरफुल है। और नॉट टू गेट टू क्लोज सिली चिल्ड्रेन ही स्कोल्डेड, व्हाई डिड यू गेट सो स्केयर्ड, क्यों इतने तुम, अरे मतलब ऐसे, अरे मूर्ख बच्चों क्यों इतना तुम लोग डर रहे हो, रनिंग ऑल ओवर द प्लेसेस जस्ट बिकॉज ऑफ अ नॉन पॉइजनस स्नेक, इसके लिए मतलब बिना जहरीला सांप वाला के लिए तुम लोग इतना डर रहा है। टीचर वॉक बैक टू द डेस्क एंड सून एज हिज बैक वॉज टर्न, काली एंड हिज चिल्ड्रेन ग्रीन एट वन अनदर सीक्रेट ग्रीन्स द काइंड दैट फ्रेंड यूज्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कहानी है जो कि खत्म हो जाता है। अब रहा बात क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन आंसर जितना भी है बुक में सारा करवा दिया जाएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का ग्रामर सेक्शन भी स्टार्ट करूँ। कुछ लोगों ने संस्कृत के लिए भी कमेंट किया है कि संस्कृत पढ़ाने का, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि संस्कृत से भी रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल करवाऊँ। चलिए तो फिर ठीक है, अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो बस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों के पास। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।